टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड इवनिंग। मैं हूं फैजान शेख, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं द मजेदार शो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी कि सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि ना सिर्फ हमारे गाने को बल्कि हमारे पहले दो एपिसोड्स को आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे टैग्स, और इतने सख्त प्यार के बाद हमसे रहा नहीं और हम आपके पास फिर से आ गए हैं। और जहां बात हो रही है मजे की, मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हम आपको मजा देते रहेंगे। और मजे की जब बात होती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा साथी यहां पर ना हो। आपकी भरपूर तालियों में जो आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे, माय फैटर हाफ मिस्टर आदि अधीरजी। अस्सलाम वालेकुम। आदी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि लोगों को ये शो इतना पसंद आना था, क्योंकि मेरे खानदान वाले कहते कि तुम शक्ल से जब पैदा हुए थे मनहूस लग रहे थे, लेकिन अब इतना प्यार मिलने और वापस आ गए तो अच्छा लग रहा। नहीं, वो खाली तुम लग रहे थे, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए काम चल रहा है हमारा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी शायद तुम्हारी वजह से ही चल रही है ना, जहाँ तुम होते वहाँ मैं। और ये शो खाली मेरे और इसकी वजह से नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे साथ हमारा इन हाउस बैंड मौजूद है, हमारे बहुत सारी तालियां, वही जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे। हमारे साथ हैं फैसल भाई, यासिर भाई, इमरान भाई और जुहैब भाई। अच्छा आदि, अगर मैं तुमसे पूछूं, हाँ, कि तुम क्या हो तो तुम क्या बोलोगे? मैं एक एक्टर हूँ। और मैं एक डांसर हूँ। और मैं एक होस्ट हूँ। और बस। और बस ना। हाँ, और अगर तुम मुझसे ये पूछो, हाँ, तो तुम क्या हो? मैं एक एक्टर हूँ। और मैं एक होस्ट भी हूँ। और मैं थोड़ा बहुत डांस भी कर लेता हूँ। और बस। लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं, हाँ, उनसे अगर आप ये सवाल करें तो वो आपको इस बात का जवाब देते चले जाएंगे। क्या मतलब? जो हमारे गेस्ट हैं वो कौन है? वो एक एक्टर हैं। और एक होस्ट हैं। और एक आरजे हैं। और एक वीजे हैं। और एक सिंगर हैं। तो फिर उन्हीं को ये शो दे दो, हम तो किसी काम के नहीं। फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हमें जानते हैं और हमारे अच्छे सर्कल को भी जानते हैं। बहुत कम लोग हैं इस इंडस्ट्री में जिसको हम लोग अपनी फैमिली समझते हैं। जाहिर सी बात है, उसमें सारे फैरस फैसल भाई हैं, नवीद हैं, अयाज समूह हैं, लेकिन एक और नाम है जो कि उस लिस्ट का हिस्सा है, बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह है। हम इनके शो पे जब भी जाते हैं बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। आज हमें पहली दफा मौका मिला है कि आज हम इनको यहाँ बुलाकर इनकी लेग पुलिंग करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बहुत जबरदस्त ये मजेदार शो है, काफी अच्छा फ्लो है शो काफी। सर आइए सर, आपके लिए अलग सोफा रखा हमने। अलग सोफा। थैंक यू गाइस। सर प्लीज बैठिए। सबसे पहले तो वेलकम टू द मजेदार शो। थैंक यू, वी आर बड़ा एक्साइटेड बॉयज, वेलकम बैक ऑन टीवी। सबसे पहले तो भाई तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। की डायनामिक डुओ जो है टीवी पे दोबारा नजर आ रही, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि यकीन करें कि बीच में जब आप लोग टीवी पे नहीं थे तो मुझे मैसेजेस लोगों के आते थे कि यार प्लीज फैजान आदि से बात करें, उनको किसी तरह टीवी पे वापस बुलाएं। सो और ये मैसेजेस आपके अक्सर हमें पहुंचाते रहते थे। हाँ, मैं और डीनो अक्सर बहुत सारी बातें आपस में हम करते रहते हैं, सीरीज शेयर करते रहते हैं। ये इतने सारे इन्होंने कवर्स किए हैं। एक आदमी ने बेड़ा उठाया हुआ था कि इस पेंडेमिक में मुसलसल लोगों को इंटरटेन करते रहना है, हर हफ्ते नया कवर और पहले से बेहतर, और इतनी अच्छी कोलैबोरेशंस। दिनो कहाँ से आती हैं आइडियाज आपको? यार ये जो कवर्स और कोलैबोरेशंस की थी, एक हैशटैग मैंने स्टार्ट किया था, क्लासिक्स ऑन लॉकडाउन। ठीक है, तो वो ये था कि मैं बोर हो रहा था, क्यों जाहिर है हम सब बोर हो रहे थे पैंडेमिक में, क्या करें भाई। तो मैं पहले दो हफ्ते तो पागल हो गया ना, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, क्योंकि आपको भी पता है हमारी फील्ड के लोगों को आदत नहीं है घर बैठने की। बिल्कुल, हम घर से बाहर निकलने वाले लोग हैं। तो मैं पहले दो हफ्ते बिल्कुल सड़ गया घर में बैठे बैठे। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि यार मैं बड़े दिनों से कुछ गाया नहीं, तो मैं कुछ गा के डाल देता हूँ। मैंने कोई कवर डाल के डाला और फिर उसका इतना अच्छा फीडबैक आया। फिर मैंने एक दोस्त है बिलाल, जो कश्मीर बैंड से, उनके साथ मैंने पहला कवर किया था, उसका इतना अच्छा फीडबैक आया। तो मुझे किसी ने, बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली मैसेज करके कहा यार तुम ये रेगुलरली क्यों नहीं करते लोगों के साथ कोलैबोरेट। तो मैं आइडिया अच्छा था, मैंने किया और जस्ट करते गए और बस सिलसिला हो गया। अच्छा, और बाकायदा ये गाना ना पूछते थे आपको, ऑप्शन देते कि आप ये गाना करें। हाँ, और ऐसा नहीं है कि पता होता था कि यही करेंगे, इनको जो गाना वोट से मिलता था ये वो गाना इतना अच्छा करते थे कि कुछ कवर्स इन्होंने माशाल्लाह ओरिजिनल से भी अच्छे गा दिए। थैंक यू, बहुत जबरदस्त। नहीं, ये हमने इसलिए बोला क्योंकि आपने हमें कहा था कि ये कह देना। हाँ, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले वो सब लिखा है ना, वो है, वो बिल्कुल उसी के हिसाब से। अच्छा, डीनो भाई एक बात बताएं, ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार
ये डीनो नाम जो है इसका क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है, मेरा एक्चुअल नाम तो नहीं है, मेरा एक्चुअल नाम तो कुछ और है, मोहम्मद अली नाम है मेरा। ये डीनो कहाँ से आया यार? ये बचपन में जिस तरह निकनेम नहीं होते, चुन्नू मुन्नू सनी विक्की कद्दू मुन्नू कद्दू मतलब यू नो मुन्नू मोनू, इनके निकनेम बड़े अजीब से रहे। क्या क्या निकनेम? इनको कभी कद्दू, कभी टींडा, कभी आलू, अजीब अजीब। सब्जियों की वजह क्यों है? सब्जियों की वजह थी कि मैं बचपन में ना एक कद्दू लगता था बिल्कुल गोल सा, तो अम्मी ने मुझे फ्रॉक बनाया हुआ सिर्फ सिर्फ बचपन में। हाँ, तो मैं वो हो गया ना, अदरक हो गया हर तरफ से हो गया। अच्छा हाँ। नहीं तो ये फ्लिंटस्टोन जो कार्टून नहीं था जो हम लोग देखते थे, वहाँ से आया था डीनो द डायनासोर। तो बचपन में माँ बाप ऐसे चलते फिरते डीनो की तरह हरकतें कर रहे हो इस तरह कहते थे, तो वो बस नाम। अच्छा, कभी ये हुआ है कि लोगों ने इसको कंफ्यूज किया डायनो से? मुझे डायनो डिन्नू बिकॉज इट्स स्पेल्ड द सेम वे ना, DINO। मुझे पता है हर सूबे के हिसाब से लोग मेरा नाम जो है वो बदल देते हैं। डीनो डीनो डीनू डीनो डीनो है ठीक है, अला डीनो सिंध में अला डीनो आधा डीनो, तो इस तरह मुझे मेरा नाम बदलता रहता है। वेरी गुड। हालांकि इतना सा नाम है उसमें भी हमारी, लेकिन लोगों की आदत है पता है, हम लोगों के नाम या तो शॉर्ट कर देते हैं या तो नाम अपने हिसाब से कर देते हैं। जैसे पंजाब में मैंने सुना है कि बड़ा फेमस है कि लोगों के एक्चुअल नाम बदल देते हैं अक्सर अक्सर, वो अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं। हाँ, उनको जो अच्छा लगता है वो, जैसे रफीक है तो वो रफीके है, रफीके फीके, और फीके, अगर असद है तो वो सद है, बस सद और सद। हाँ, सद इधरा। हाँ, तो यही मेरा भी यही हुआ है, ऐसे ही होता है। अच्छा मुझे बताया, आपने रिसेंटली एक फिल्म करने का इत्तेफाक हुआ? या पहले तो मैं फैजान शेख साहब आपको और आदि साहब आपको मैं सलूट करूंगा, क्योंकि एक्टिंग हर किसी की बस की बात नहीं। नहीं ऐसा ना करें आप। नहीं नहीं, एक्टिंग इज अ टफ जॉब यार। मैं बाकी जो लोग घर में बैठे हुए थे जो एक्टर्स बनना चाहते ना, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ जरा सोच के बने एक्टर्स, क्यों बहुत ही मुश्किल काम है भाई। हम अक्सर लोगों को ये कहते हैं। हाँ, अक्सर लोग हमें रोजाना तकरीबन मैसेज करते हैं जी हमें एक्टर बनना है, तो हम क्या करें? मैं कहता हूँ सबसे पहले तो अपने अंदर ढेर सारा पेशेंस ले आए, क्योंकि एक एक्टर होना बहुत मुश्किल काम है इस मुल्क में। तो मुझे बताएं कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपके साथ दो बहुत अच्छे एक्टर्स थे, जुनेद और मंशा, काफी लोग अच्छे थे। तो क्या हिसाब किताब? अतीका ओडो, साजिद हसन, जुनेद खान, मंशा पाशा, कास्ट काफी अच्छी थी। जलालुद्दीन रोमी ने फिल्म बनाई है, कामरान बारी, रोमा माइकल एक नई लड़की है, शी इज वेरी टैलेंटेड। तो ये काफी अच्छे लोग थे, तो आई थिंक वो उसकी वजह से मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि एक तो सारे दोस्त भी हैं, इन सबको जानता भी हूँ। फिर दूसरा, जब आपके अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अगर थोड़ी सी यूँ हो रहे ना अजीब कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या हो रहा है, तो वो आपको जरा समझा देते हैं आपके नर्व्स को। हाँ, कि ब्रो इस तरह नहीं होता, यही होता है। तो जुनेद के साथ बड़ा मुझे मजा आया काम करके, जुनेद खान इज अ वेरी वेरी नाइस गाय। अच्छा डीनो भाई, आप जिस तरह आरजे हैं, तो आरजे तो भाई बड़बड़ चलता रहता है ना, उसका दिमाग बहुत तेज होता है। लेकिन जब आप एक्टिंग पे आते हैं तो लाइनें याद करनी होती हैं। अरे यार, स्पेसिफिक लाइंस याद करनी होती हैं। कैसे किया? मेरे पास एक पेज था, मुझे याद है, एक पेज था, एक सीन था जिसमें पूरे सिर्फ डायलॉग मेरे थे, बाकी उन्होंने सिर्फ शक्लें बनानी थी। ओके, बकायदा एक पूरा पेज का मोनोलॉग मुझे दिया और उन्होंने कहा यार ये करना है, और मैंने सोचा कि चलो ये तोड़ तोड़ के कर लेंगे। मैंने सोचा कि टेक्स में होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई इंसान पूरा पेज जो हजारों इंसान ही नहीं, मैं समझ आपने प्रोसेस ही नहीं किया, मैंने प्रोसेस ही नहीं किया। आप तो थिएटर से, मैंने सोचा आप कर सकते, मेरे तो थिएटर में होता होगा, लेकिन ये अगर फिल्म है तो उसके अंदर काट काट के कोई डिफरेंट एंगल होगा, कुछ होगा। मेरी मौत हो गई ना, मतलब वो मोनोलॉग करके, मतलब मैं एक पॉइंट पे लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था। लेकिन फिर मुझे जरा you know, वही जुनेद और बाकी सब ने जरा बैठ के समझाया का, देखो इसको बकायदा सीखना पड़ेगा। कहीं कहीं आपके साथ ये हुआ फिल्म में कि आपका क्लोज बन रहा हो, किसी ने कहा यहाँ देख के आप जरा लाइंस बोल दें, हाँ ऐसा कर दें? हाँ, उसमें कितनी डिफिकल्टी, बिकॉज मैंने देखा है जब नए लोग आते हैं तो उनके सामने से हाथ रख दिया जाता है कि जी यहाँ देख के आपने लाइंस बोलनी है। हाँ, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरे सबसे कंफ्यूजिंग ये था कि अब जैसे होस्टिंग में, अब जब मैं टीवी पे होस्टिंग करता हूँ तो चलो आपको पता है कि आपकी इतनी देर की लिंक है और आपने सिर्फ 2-3 मिनट बातें करनी है, उसके बाद आप आगे चले आएंगे, ब्रेक पे चले आएंगे, गेस्ट की तरफ चले आएंगे, इधर उधर देख लेंगे। लेकिन एक्टिंग में, क्योंकि अगर आपने कैमरे में देख के एक्टिंग करनी है, अगर आपने कैमरे की तरफ देखना है, तो आपने इमोशन भी रखना है, आंखें भी यूँ अजीब यू नो यूँ करके आपने बनानी है, आपने अंदर एक जज्बात आपके भरे हुए होते हैं सारा कुछ। वो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था यार कि मैं कैसे कैमरे के अंदर एक प्रॉपर 5 मिनट का सीन करना है मेरे, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। Yeah, it was very लेकिन tough. आपका एक्सपीरियंस मजेदार रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आई थिंक एक्टिंग, जो लोग एक्टर्स को समझते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि एक्टर्स के नखरे होते हैं, या एक्टर्स थोड़े से एटीट्यूड वाले होते हैं, या एक्टर्स थोड़ा सा मूड नहीं होता, मूडी होते हैं, मूडी होते हैं, मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, उनका काम वाकई बहुत मुश्किल है। आई थिंक एक्टर्स को, हमारे मुल्क के एटलीस्ट एक्टर्स को, हमें वाकई बहुत क्रेडिट देना चाहिए। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट्स अ वेरी टफ जॉब। अच्छा मुझे बताएं डीनो भाई,
कि जब आपने फिल्म की तो आपने यकीनन सबको बताया होगा कि यार मैंने फिल्म की। हाँ, मैंने मौका नहीं छोड़ा। यहाँ कोई मतलब सर आप चाय पीने मेरी फिल्म आ रही है हर जगह, मेरी फिल्म आ रही है हर जगह। तो फिर क्या हुआ, कुछ लड़कियां भी आई होंगी आपके पास इम्प्रेस होकर? इम्प्रेस होकर। ये अकेले रहने का क्या राज है, मैं जानना चाहता हूं। जुनैद खान जैसे हंक के साथ करें ना, तो वो लड़कियां सिर्फ आपसे यही पूछने आती हैं तो जुनैद कैसे हैं? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं, आप बहुत अंदर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को। मुझे बताइए, कुंवारापन आपने बाय चॉइस है या क्या सीन? नहीं नहीं, बाय चॉइस नहीं है, ये मेरी किस्मत है, मैं सही बता रहा हूं। नहीं नहीं भाई, मेरे पास आदि समझ सकते हैं, आदि समझ, मेरे पास लड़की है वाकई, जो रेडी है शादी के लिए, तो आपके पास कैसे? अबाउट अबाउट टू गेट मैरिड है वाकई? लड़के के गाल पीले कर रहे हैं, गाल पीले, लड़के के गाल गाल पीले कर रहे हैं, गाल गाल हाथ पीले कर रहे हैं। वक्त हो सकता है कभी भी शादी हो जाएगी, तो कुछ करना पड़ेगा। हां मतलब ये तो बहुत बेइज्जती की बात है आपकी, हो रही मेरी हो रही है भाई, इसकी हो रही है ना आपकी नहीं हो रही, फटाफट अजीब सी बात है। और ये होता है जब सारे दोस्त मिलकर बैठ जाते हैं तो घरेलू बातें शुरू हो जाती हैं। वक्त हुआ है पहले ब्रेक का, लेकिन हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डीनो हमारे साथ मौजूद है, और डीनो हमें पहले गाना सुनाएंगे, फिर हम इनको मिलवाएंगे हमारे आज के टैलेंट से, और इनको ले जाएंगे सीधा गेमिंग जोन पे, जहां पर हम इनके साथ खेलेंगे दिस और दैट। फौरन जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार मेरा दिल कहे तू रहे पास पास, ये है कैसा दीवाना, तू नहीं तो मेरा दिल लगा, मुझे हर घड़ी है बस तेरी याद, मेरा दिल कहे तू रहे पास पास, ये कैसा दीवाना, तू नहीं तो मेरा दिल लगा, मुझे हर घड़ी है बस तेरी याद, मेरा दिल कहे तू रहे पास पास, ये कैसा दीवाना, तू नहीं तो मेरा दिल लगा, मुझे हर घड़ी बस तेरी याद, मेरा दिल कहे तू रहे पास पास, ये कैसा तेरे बिना जिया नहीं जाए। Welcome
बैक आपसे तो ब्रेक ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं। शो का फॉर्मेट ये है कि पहली ब्रेक के बाद हम लोग सोफों पे नहीं बैठते क्योंकि आपको ज्यादा इज्जत देते हुए मैं अजीब सा लग रहा है। और तो ये मजेदार शो इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप खड़े होकर मजा करें। बिल्कुल। तो अभी हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, गेम का नाम है दिस और दैट। मजेदार This or that. एक सवाल होगा, दो ऑप्शन होंगे, आपने this or that करना है, लेकिन उसमें एक कैच है। क्या वो कैच ये है कि जो आपके सामने रखा हुआ है रूबिक्स क्यूब, ये आपने साथ साथ सॉल्व करना है। ये बहुत ही मतलब ये जहरीली चीज है वैसे। yes, sir, जब तक आपके सांस चलेगी तब तक आपके हाथ में ये चलेगा, ये रुकना नहीं चाहिए। तो डीनो जी आपसे पहला सवाल, मुझे बताएं बेहतर एक्टर कौन है, हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी? हुमायूं सईद। वेरी गुड। माहिरा खान या सबा कमर? माहिरा दोस्त है मेरी, माहिरा खान। फाद मुस्तफा या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। इकरा अजीज या हरीम फारूक? यार ये किस तरह के सवाल हैं यार, तुम इकरा अजीज या हरीम फारूक? माय गॉड, इकरा अजीज। पूछें। लंबी पतलून या छोटी पतलून? लंबी पतलून। लेदर की जैकेट या कॉटन की जैकेट? इन हालात में कॉटन की। लंबी लड़की छोटी लड़की? कुछ भी मिल जाए। लंबे बाल छोटे बाल? कुछ भी मिल जाए। कुछ भी मिल जाए, क्या तारे तोड़ा है आप? मिल जाएगा, कुछ भी पहन लो, कुछ भी, कोई भी हाँ कह दे, जैसी मर्जी मिल जाए। हालात ऐसे। अच्छा ये बताएं कॉफी आपको कैसी पसंद है? कैपुचिनो, मिल्क, शुगर एंड कॉफी। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि बेहतर प्रोफेशन कौन सा है, एक्टर या आरजे? यार मुझे तो आरजे पसंद है, बट आरजे या वीजे? आरजे। वीजे या सिंगर? सिंगर। सिंगर या होस्ट? होस्ट। अरे यार आदमी अपनी बात पे टिकता ही नहीं है। क्या मसला क्या भाई, आपने कहा दिस और दैट ना, तो मैं दिस और दैट कर रहा हूं। चल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, उल्टे हाथ से खाना या सीधे हाथ से खाना? सीधे हाथ से खाना। उंगलियां चाट के खाना या चम्मच से खाना? भूख कितनी लगी? भूख कितनी लगी? बिरयानी में आलू चाहिए या नहीं चाहिए? आलू। और आरजे या टीवी पे काम करना है? आई मिस टीवी, तो टीवी। यस। चश्मा या नो चश्मा? चश्मा है, मुझे नजर नहीं आता। लंदन में रहना पसंद करते हैं या कराची में? क्या लंदन में रहना पसंद करते हैं या कराची में? लंदन याद आ रहा है, बड़े दिन हो गए। नहीं नहीं एक जवाब दे जल्दी से। कराची, कराची होम टाउन। केक पसंद है या जलेबी? जलेबी। निहारी या पाए? ओ निहारी। निहारी निहारी। अच्छा, निहारी। ये बताइए फुप्पो या मामू? मामू। मामू या मामी? मामू। मामी आपके साथ क्यों मसला चल रहा है? मैं आ रहा था कि आपकी मामी आप पसंद है मुझे, लेकिन मामू तो फिर मामू है ना। अच्छा ये बताएं वो वाले रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो वाले रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं? यार देखो बाहर वाले को वो करेंसी रेट अच्छा है। अच्छा ये बताइए कैश में 10,000 रुपए या 3 महीने के चेक पे 15,000 रुपए? इतनी मैट तो आज तक नहीं की। बताएं। कम पैसे या चेक पे ज्यादा पैसे? चेक पे ज्यादा पैसे। ओह बंदा वेट कर सकता है, कोई बात नहीं। माइकल जैक्सन या मैडोना? ओह माइकल जैक्सन। ओह यू टू या सैवेज गार्डन? यू टू। जी आदि। शाहिद खान अफरीदी या जॉन्टी रोड्स? लाला। शाहिद खान अफरीदी या इमरान खान? लाला। इमरान खान या इमरान खान? लाला। एक सेकेंड, इमरान खान। अच्छा मुश्किल था, कौन सा वाला इमरान खान, सिंगर या क्रिकेटर? यार ये मतलब क्या हो गया, तुम फंसवा रहे हो। बताएं बताएं बताएं। नहीं क्रिकेट है यार हमारे अपने खान साहब। जुनून या फ्यूजन? जुनून। अली अजमत या सजाद अली? सजाद अली। राहत फतेह अली खान या शफकत अमानत अली खान? शफकत भाई। शफकत अमानत अली खान या नुसरत फतेह अली खान? ओह नुसरत फतेह अली खान। वेरी गुड। ये बताएं मैं तुम्हारी शादी पे आके नाचूंगा या मैं तुम्हारी शादी पे आके कोने में बैठ जाऊंगा? आप छुआरे बांटेंगे। वो आपको अपनी शादी में बुला रहे हैं। अच्छा अपनी शादी में आप इनकी शादी पे नाचेंगे या कोने में बैठ जाएंगे? यार मैं नाचूंगा। अगर मेरी शादी पे आपका कोई रिश्ता आ जाए तो आप उसको हाँ करेंगे ना करेंगे? डिपेंड्स। क्या ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स मतलब क्या मतलब डिपेंड्स यार कि मैं अभी शादी कर लूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा जानना पड़ेगा ना यार, जानना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। नाचूंगा। रिक्शे में जाना पसंद करेंगे बस में जाना पसंद करेंगे? यार मैं एक्चुअली रिक्शा, आई लाइक रिक्शा। गाड़ी पसंद है या बाइक? गाड़ी। हाथ से कपड़े धोना या वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना? वॉशिंग मशीन। ओके नाखून खुद काटने जाके मैनी पेटी कराना? या मुझे मैनी पेटी बड़ा मजे का लगता है। लड़कियां जो मैनी पेटी कराती ना मुझे समझ आ गई कि वो अपने दुखड़े जो है क्यों सुनाती है लड़की। तो आप भी सुनाते क्या? अच्छा भी सुनाता हूँ। वाकई? अरे वो मुझसे पूछती है बकायदा कि आपके हालात कैसे, क्या हो गया? अरे आप उसके बाद बैठे नाखून कटवा रहे, हालात अच्छे होंगे यकीन। ये कैसा सवाल है? समझ आ रही है हमें, ऐसा ऐसा पता लगा। एक दफा करा लो, सब पता चल जाता है। इस शो के बाद फौरन मैनी पैडी। हाँ हमने एक बार मैनी पैडी कराया था, उसने मेरा हाथ थामा, मैंने उसको बोला क्या मैं तुम्हारा हाथ पूरी जिंदगी के लिए थाम सकता हूँ, फिर उन्होंने सलोन वालों ने निकाल दिया भाई। उसके बाद से मैं खुद काट रहा हूँ। अच्छा ये बताएं कि शादी में जब खाना खुलता है तो आप फौरन खाते हैं या वेट करते हैं लाइन खत्म होने का? थोड़ा वेट करता हूँ। खाने के बाद मीठा चाहिए होता है या मीठे के बगैर भी चलेगा? मीठा अगर मुफ्ता चाहिए तो पूरा हो ना। इंस्टाग्राम या स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। फेसबुक या ट्विटर?
फेसबुक. वेरी गुड. मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? मैंने मॉर्निंग बहुत किया है तो आई विल गो फॉर इवनिंग शो. देखने में क्या पसंद है, मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? देखने में तुम लोगों का शो. हम लोग का शो. लड़का जीत गया. बस ये लूप पे लगाते रहें ये वाला. ये बात बार बार लगाते रहेंगे और ये वाला काट के सोशल मीडिया. ये वाला काट के एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे जाएगा. हैशटैग डीनो लव्स अस. अच्छा ये बताएं असली बाल या विग? हालात खराब है, विग आनी पड़ेगी. मेकअप और नो मेकअप? नो मेकअप. लड़कियां जो ज्यादा बोलती है, लड़कियां जो बोलती नहीं है? यार लड़कियां जो बोलती नहीं है ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव है. आपको दिल चाहता है कि जाने. और क्या पता वो बोलती ही ना हो फिर. वो एक ही बार बोले और अच्छा घरेलू माहौल काफी पीसफुल रहे. सेल्फी या ऑटोग्राफ? सेल्फी. इजी. दुबई या बाकू? दुबई. अरे बाकू सस्ता है. सस्ता है क्या? सस्ता है वहाँ बताएं जरा हमें. मजे की बात है जब हमने खरीदा था ना हमें तभी पता था आपसे नहीं हमने खरीदा इसलिए. अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास एक सेगमेंट होता है जिसमें हम किसी ऐसे टैलेंट को बुलाते हैं जिसको प्लेटफॉर्म की जरूरत है. और आज जो हमारे साथ टैलेंट मौजूद है शी इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. ये टैलेंट हमने बहुत कम देखा है हमारे यहाँ और खास तौर पे हमें इतना अच्छा लगा कि हमने अपने शो का हिस्सा बना लिया. आप हमारे जब अगर हमारा लोगो आप देखें SMD पे जो अभी आएगा आने लगा थोड़ी देर में वरना यहाँ पर मौजूद है. इस लोगो पर जो मैं और आदि बने हुए ये कैरी कैचर है. और ये कैरी कैचर एक खास खातून ने हमारे लिए बनाया है. एंड वेरी स्वीट ऑफ हर कि उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को ये देना चाहती हूँ. हाँ ये वाला यू कैन सी दिस. बहुत आला. और ये कैरी कैचर मैंने इनसे पहले भी बनवाया था और मैं बनवाता रहता हूँ. तुम्हारे कैरी कैचर में बड़ी मेहनत की उन्होंने. हाँ ये आप और से देखें और से देखें तो ये पहले आमिर लियाकत बन गए थे. ये उनको मैंने कह के आदि करवाया क्योंकि ये थोड़ा आमिर भाई जैसे लग रहा है. उनको असल में किसी ने कहा था कि काश आप मेरे अब्बू होते. उनको समझा वो मैं हूँ. तो फिर मैंने मेरे ऐसा बना दिया. अच्छा मैं आपको एक और चीज भी बताऊं कि हमारे शो में जो भी टैलेंट आता है जिसको हम शोकेस करते हैं एक तो हम उसको खुद रिव्यू करते हैं. दूसरी बात यह है कि जीरो पर्ची सिस्टम. वेरी नाइस. आप हमारे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स करें अपनी वीडियो बना के टैलेंट की और अगर वो इस होता है कि हमें लगता है कि वाकई में है तो हम आपको बुलाते हैं. तो देयर इज नो पर्ची. और ताल्लुकात नहीं. और अगर आपने इंस्टाग्राम हमें करना है तो जो हमारा पेज है ऑफिशियल द मजेदार शो उस पर आप अपने इनबॉक्स हमें कर सकते हैं. हम उस पर देखेंगे और बाकायदा सही रिव्यू होगा. अगर हमें आपका टैलेंट पसंद आएगा वी विल डेफिनेटली इनवाइट यू. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीहा. नाइस. फरीहा हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगी और एक जबरदस्त सरप्राइज वो आपको देंगी. हम आपके लिए लाइव आपका कैरिकेचर बनवाएंगे जो कि आपके साथ जाएगा. बहुत आला. तो जी हम ब्रेक पे जाते हैं. ब्रेक से वापस आते हैं. हमारे साथ होंगी फरीहा और वो बनाएंगी डीनो का लाइव कैरिकेचर और उसके साथ हम मजीद मजेदार गेम खेलेंगे डीनो के साथ. ब्रेक पे जाते हैं. ब्रेक से वापस आते हैं. कहीं मचाएगा. वी विल बी राइट बैक. मजेदार वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द मजेदार शो और आपने पिछले राउंड में देखा दिस और दैट हम खेले थे. डीनो ने बहुत अच्छा खेला लेकिन रूबिक्स क्यूब एक हिस्सा भी उसका सॉल्व नहीं हो सका हमसे. और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आज जो हमारे पास टैलेंट मौजूद होगा वो है फरीहा जो कि जबरदस्त कैरी कैचर आर्टिस्ट है. फरीहा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फरीहा कब से कर रही हैं आप ये काम? 2010 से. ऑलमोस्ट 10 इयर्स. या 10 इयर्स माशाल्लाह. और कहाँ से सीखा, कैसे शुरू हुआ जरा बताइए. मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ा था लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही मैंने अपनी आर्ट गैलरीज में काम लगाना स्टार्ट कर दिया था. और फिर उसके बाद मेरा सबसे फेमस एक्शल आर्ट वर्क था. मैं उस पर पोर्ट्रेट्स बनाती थी फेमस सेलिब्रिटीज़ के. तो वो बहुत अच्छा फेमस हो गया था माशाल्लाह से. तो फिर वहाँ से कंटिन्यू किया. क्या आप वो वाला काम तो नहीं करती थी कि मुझे फैसल कुरैशी पसंद है तो हर तस्वीर के अंदर फैसल कुरैशी? नहीं मैंने सबको बना चुकी हूँ ऑलमोस्ट सबको. जबरदस्त. तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैंने अच्छा खासा काम करके देन आई गॉट मैरिड. फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर उसके बाद मुझे हुआ कि वापस से कुछ करना चाहिए. आर्ट गैलरीज जाना फिर वापस से कन्वीनियंट नहीं हो पाता था. तो फिर उसके बाद मैंने घर से काम स्टार्ट किया एज अ कैरिकेचर आर्टिस्ट. तो मैं कस्टमाइज आर्ट वर्क भी करती हूँ कि हेलमेट पे पेंट करना, जैकेट पे, बैग, यू नेम इट, आई डू इट. तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं अभी भी मैं स्टोन आर्ट वर्क भी करती हूँ, कैरिकेचर्स करती हूँ. सो एक कैरिकेचर बनाने में कितना टाइम लगता है? एक दिन लगता है. बस एक दिन में बना लेती हैं आप? हाँ एक दिन. अब बच्चा तंग करता है तो इसलिए डबल. किसका बच्चा है जो तंग कर रहा है? अपना बच्चा. अच्छा आपका बच्चा. तो जरा भेजिए एक दिन के मेरे पास. बस तबाही हो जाएंगी फिर वो तंग नहीं करेगा. अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा कैरिकेचर या कोई ऐसा फेस सेलिब्रिटी का या नोन जिसको बनाने में बहुत देर लगी हो या आप बोले थोड़ा सा मुश्किल था इसको बनाना?
यार टू बी ऑनेस्ट इमरान खान जब इलेक्शन जीते थे तब मैंने बनाया था तो और उसके बाद से वो बना रहे हैं क्योंकि उनकी कोई बेड नहीं है बहुत क्लीन फेस है उनका तो मुश्किल था क्योंकि ऑब्वियसली सब रिकॉग्नाइज करते हैं बहुत खामियां लोग निकाल सकते हैं और बहुत उनके फैन फॉलोइंग भी है तो वो थोड़ा रिस्की था। अच्छा लेकिन कैरिकेचर जो होता है मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड होता है एग्जैक्टली वही शक्ल नहीं होती उस पे लोग ज्यादा तंकीद करते हैं कि नहीं एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। एंडिंग ये इससे मेरे हस्बैंड से नहीं मिल रहा है इसकी नाक मोटी है इसके दांत बड़े हैं ये है वो है तो फिर मैं उनके हिसाब से कर देती मैनेज कर लेती हूं। मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा आज तक तंग आपको किस हद तक किया है किसी ने? एक थी वो कह रही है मेरे हस्बैंड का ड्रेसिंग सेंस ऐसा नहीं है उनको बोले तो कपड़े चेंज करें इसके। अच्छा कपड़े चेंज करे हो कपड़े चेंज करे लिटरली लगता है कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं यही मजाक उड़ाते हैं ठीक है कि आर्टिस्ट का ऐसा लगता है कि हम कोई टेलर है ना उसकी पतला कर दो मोटा कर दो स्पेसिफिक कर दो जो खुद को अच्छा लग रहा है वो कर दो जो पिक्चर में दिख रहा है वो नहीं। अच्छा आपने मुझे बताया था शुरू में कि आप पहले पेंसिल से करती थी और अब आप डिजिटली करती हैं। मैं पहले हैंडमेड करती थी क्योंकि उसमें टाइम भी लगता था और वो प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है लेकिन आफ्टर बेबी वो हो नहीं सकता क्योंकि आप इतने पेंट्स और इतने मीडियम्स यूज नहीं कर सकते उसमें स्मेल इतनी होती है तो इसलिए मैं अभी डिजिटल की तरफ आ गई। तो डिजिटली मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा नहीं होता ज्यादा आसान नहीं होती है। यार कन्वीनिएंट तो होता है लेकिन हैंडमेड का अपना मजा है अपना मजा होता है लेकिन जब तक हाथ गंदे नहीं होते ना मजा नहीं आता। लेकिन अब ये कह रही है इनका बेबी भी है तो अगर ये हाथ से करेंगे तो बेबी नहीं जाते ऐसी होता है ना हो अगर, अगर ऐसे बच्चे होंगे तो ऐसा हो सकता है। अब आप मुझे बताएं कि डीनो के लिए आप क्या आपने क्या प्लान किया क्या बनानी थी आपको पता है एक बहुत अच्छे आरजे होस्ट एक्टर बहुत कुछ है ये तो क्या आपने इनके लिए क्या सोचा हुआ है? अभी बहुत मजे का बनाने वाली हूँ ठीक है। आप कैसे इनकॉर्पोरेट करती हैं जैसे एक एक होस्ट है एक सिंगर है exactly, तो क्या चीज़ इनकॉर्पोरेट करती हैं उनके के उनके वो किस टाइप का काम करते हैं लाइक ही इज एन आरजे हेडफोन्स होते हैं यू नो माइक होता है इस टाइप की चीजें मैं साथ मिंगल करती हूँ। क्या कपड़े ऐसे ही होंगे या आप कुछ कपड़े या यही होंगे ऑलमोस्ट। अच्छा आपको वो करवाना पड़ता है कि हिलेगा नहीं हाँ। नहीं मैं एक दफा ले लेती हूँ एक पिक्चर ताकि थोड़ा स्टिल हो क्योंकि ऑब्वियसली इंसान पूरे वक्त तो रह नहीं सकता लेकिन ऑलमोस्ट द सेम बना लेती हूँ। अरे वाह जबरदस्त तो फरी आप अपना काम शुरू कर दे तीनों को थोड़ा सा और तंग करते हैं हम फिर वापस आपके साथ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी आपके साथ हम अगला गेम खेलने लगे हैं जिसका नाम है अंडा या भंडा। मजेदार देख रहे हैं आप ये अंडे और ये बाकायदा असली अंडे हैं एक्चुअल अंडे हाँ जी आप चाहे तो एक तोड़ के दिखा दें आंटी के सर पे। अच्छा मुझे आप इससे पहले ये बताइए कि मुर्गा एक दिन में कितने अंडे दे सकता है बताइए मुझे ये क्यों पता होगा नहीं आप प्लीज बताएं सवाल मैं क्यों जल्दी बताएं सवाल इतना बड़ा नाम डीनो लंदन में मुझे कितना अंडे दे सकता है एक दिन में मुर्गा कितने अंडे दे सकता है प्लीज फाइव फोर अच्छा चार छह या दस छह अरे यार मुर्गा अंडा दे ही नहीं सकता अंडा कैसे देगा भाई मुर्गा तो अंडा भाई इसकी शादी इसी वजह से नहीं हो रही इसको पता ही नहीं है कि मुर्गा अंडा देता है कि नहीं यही मैं आपसे कह रहा था। अच्छा जी इसका तरीका आपको पता है मैंने आपको ड्रिल इसकी बताइए कैसे होगी आदि भैया बटा लीजिए और तैयार हो जाए कि या तो आपकी जैकेट या मेरी जैकेट गंदी होने वाली है इसमें टैप हम करते रहेंगे ठीक है और टैप रुकना नहीं चाहिए 1 2 3 गो। मुबारक हो इसका नाम हम रखेंगे सलमान। ये अंडा टूट गया टूटा है सॉरी और मुझसे टूटा है अंडा हुआ नहीं करके निकला अंडा जो है मुझसे टूट गया आदि अब आप ट्राई करें आए। अच्छा मैं भी ट्राई करूं और नहीं तो अरे यार मुश्किल काम ये अंडा आपने यहाँ कर दिया ये अंडा हमने हटा दिया हटा देते चलिए जी। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना चले जी अरे वन अच्छा लेफ्टी हो तुम 1 2 3 गो। ये क्या था बच गया अबे टूट जाएगा वो देख आपने देखा कि एक अंडा मैंने तोड़ दिया एक आदि ने तोड़ दिया जो गेस्ट आए उन्होंने अंडा तोड़ा ही नहीं आदि हम आपको फौरन जल्दी से चिपी चिपी हो गया सारा चिपी चिपक रहा है जो है चिपी चिपी हो गया ये जी हम यहाँ पे जब तक सेट क्लियर कर रहे हैं आप जाएं छोटी सी ब्रेक पे ब्रेक से वापस आते हैं कहीं मत जाएगा जब तक हम जरा अंडा साफ कर रहे हैं आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार वेलकम बैक आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हम वापस आ गए हैं डीनो हमारे साथ मौजूद हैं लेकिन हम पहले पूछेंगे फरिया से कि उनका कैरिकेचर कहां तक पहुंचा। जी फरिया
ऑलमोस्ट ड्राइंग कंप्लीट हो गई है और बहुत ही मजेदार का बन रहा है. बहुत ही मजेदार सा बन रहा है. वो तो बहुत जरूरी है. खास ख्याल रखिएगा कि डीनो ने जो कपड़े पहने, खास तौर पे जो जैकेट है, वो बहुत जरूरी है. हां डन. क्योंकि असल में ये किसी से मांग के लाए हैं तो उसने कहा था कि डिजाइन पूरा होना चाहिए. प्लीज कुछ तो दिखाओ. हां जी, तो जीनो कौन है? कुछ भी चलेगा. जीनो हम आपके साथ गेम खेलने लगे हैं. उसका नाम है संभालो. मजेदार. अब मुझे बताएं आपको क्या लगता है नाम से कि क्या होगा गेम में? कुछ हो सकता है. संभालो मतलब कोई जैसे कि मैं आपको अपनी बेटी दे सकता हूँ कि लो संभालो. संभालो हो रही है. हाँ मतलब मेरी बिल्ली है, इसको संभालो. संभालो लाइक मेरी गाड़ी है, इसको संभालो. लेकिन आप मुझे बताएं, जब आप एज एन आरजे एक शो कर रहे होते हैं तो आपको आते हैं लाइव कॉल्स. हाँ. उसमें कितना संभालना पड़ता है? ओह माय गॉड, ऐसे मुझे अजीब कॉलें आती हैं कभी कभार. अजीब कॉलें आती हैं. ठीक है, तो हम काम ये करेंगे कि आप अपना आरजे वाला शो कर रहे हैं. अच्छा. और एक अदद कॉलर है हमारे पास. मैं चाहता हूँ कॉलर या तो वहां जाके बैठ जाए. हाँ. ताकि आपका फ्रेम इनसे बिल्कुल ही अलग हो जाए. बस, क्या ख्याल है आपका? डन हो गया. ठीक है जी, तो आज हम आपको दिखाएंगे लाइव के कैसे एक आरजे की जिंदगी में एक लाइव कॉलर जो है वो अजाब बन जाता है. हमारा अजाब मेरे यानी कि लाइव कॉलर वहां पहुंच चुका है. आदि का हमारे पास सोलो मौजूद है तो आप बना लीजिए, और डीनो का सोलो तो हमारे पास है ही. तो जी डीनो, ठीक है, आपका शो शुरू हो रहा है, आइए. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं FM 91 मेरे साथ डीनो के साथ, और अभी FM 91 पर हमारे पास एक कॉल आने वाली है, बल्कि आ गई है. देखते हैं कि कॉलर कौन है. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहां से? जी हेलो. जी हेलो. जी हेलो. जी कौन बात करें, कहां से? आई थिंक ये कॉल जो है हमें ड्रॉप करनी पड़ी दोस्तों. तो अब हम अगली कॉल लेंगे, देखते हैं हमारे अगले, क्योंकि ये कॉल तो ऐसे पता नहीं हंसे ही जा रहे थे और इनको शायद यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे शो में कॉल करें. देखते हैं अगली कॉल कौन सी. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? दोस्तों लग रहा है हमारे इंजीनियर साहब जो है आज जो है बीवी से पिट के आए हैं, उनको शायद यकीन नहीं आ रहा है कि वो मतलब इतनी कॉल आ रही है. तो बार बार यही एक ही कॉल दिए जा रहे हैं, भाई कोई और कॉल दे दो. इंजीनियर साहब क्या कर रहे हो, मतलब FM 91 की इज्जत का सवाल है, क्या कर रहे हो? हम देखते हैं हमारी अगली कॉल कौन सी, कहाँ से. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी कौन बात कर रही है, कर रहे हैं? मलाइका. जी क्या नाम है आपका? मलाइका. कैसी मलाइका, आप ठीक हैं, खैरियत से? खूबसूरत हूँ. अच्छा, बहुत मजे की हूँ. एकदम मजेदार शो देखती हूँ. ओह यस, फैजान और आदि का शो. जी मैं खुद भी देखता हूँ. तो ये मलाइका, ये बताइए कि आप कोई गाना सुनना चाहती हैं, कोई गाना चलाएं आपके लिए? मैं तो सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ. आप रेडियो पे देख नहीं सकती मुझे मलाइका. मैंने पूरा मुंह अंदर डाला हुआ रेडियो के, शायद आपकी झलक एक बार देखिए तो नहीं कह रहा. मलाइका जल्दी से बताइए आपकी, आपका गाना कौन सा, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं, हमारे अगले कॉलर्स भी इंतजार कर रहे हैं. एक सेकंड, मेरे हस्बैंड आ गए बाद में. अच्छा हस्बैंड भी है, चलिए बात करिए. हेलो जी. हेलो जी सलाम. ये क्या तरीका, तुम मेरी बेगम को फोन करो यार. मैं आपकी बेगम को फोन यार, ये कोई तरीका मतलब यार? या वो मुझे यार मतलब संडे का दिन है, हम घर पे बैठे हैं यार, बच्चा हमें पकड़ा के भाग गई तुम्हारे चक्कर में, क्या कर रहे हो? नहीं वो आपकी बेगम मुझे कॉल कर रही है, आप गलत फहमी यार. तो वो कर रही है तो उसका मसला है, तुम क्यों बार बार फोन उठा रहे हो? मैं उठाओ तुम फोन. सर मेरा तो रेडियो शो, सर मैं फोन ही उठाऊंगा. बात है यार, ये फोन छीन रही है मुझसे, बात करो इससे, ये मेरी बेटी है, इससे बात करो. जी बात करें जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. पापा. मैं बाबा नहीं बेटा, मैं डीनो बात कर रहा हूँ. डीनो पापा जी. अच्छा तुम्हारी अम्मा ने तुमसे गलत बात की बेटा, सही बताओ. देखो बाबा आपका शो बहुत मजे का होता है, मैं रोज देखती हूँ. ये सब देख क्यों रहे हैं मेरा शो रेडियो पे? क्योंकि आपका शो चल रहा होता है ना, अम्मी उस पे एक्टिंग करती हैं. अच्छा अच्छा, चलिए मुझे बताएं बेटा कि आप गाना क्या सुनेंगे, जल्दी बताएं क्योंकि हमारे अगले कॉलर से तो आ रहे हैं. दीना अंकल मुझे वाला गाना सुना दे, कुड़ी कलेशन को निशाना ढस ढस बजता. बड़ी यूनिक रिक्वेस्ट मांगी आपने बेटा, चला देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों. तो ये हमारी कॉल थी. अब और कॉल्स हम ले रहे हैं, नहीं ले रहे मुझे नहीं पता, हम और कॉल्स ले रहे हैं. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है, देखते हैं. हेलो वही डीनो. अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन बात? ठीक है तो मजे में? बिल्कुल ठीक ठाक. यार हम ये केपीके से बात कर रहे हैं. जी वो इधर एक मसला चल रहा है, उसका हल तो बता दो. बताएं यार, ये इधर चांद हो गया और कराची में कह रहे चांद नहीं हुआ, मसला क्या है ये? कराची में चांद नहीं, वो इधर चांद क्यों हो गया भाई, उधर नहीं हो रहा है ये? मुझे पता नहीं, मैं किसी से पूछ के बता दूं. इंजीनियर साहब ये चांद क्यों नहीं हो रहा कराची? हमारा बेगम हमारे साथ है, जरा इससे बात करो. जी बात करें बेगम से, बात तमीज से बात कर रहा, तुम्हारा भाभी. जी बात ये लो बेगम, बात करो यार.
हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मलाइका बात कर रही भाभी, आप तो मतलब घर बदल रही हैं इतनी जल्दी मतलब केपीके कैसे पहुंच गए मलाइका? बस वीडियो कॉल के जरिए कहीं भी पहुंच जाती है। कहीं भी पहुंच जाती है मलाइका। आपने कोई गाने की रिक्वेस्ट नहीं बताई, बताएं कुछ सुनना चाह रही हैं आप? मैं आप गाना चलाएं, मैं आपको डांस करके दिखाती हूं। मुझे कैसे नजर आएगा कि आप डांस करिए मलाइका? आप क्या कह रही हैं, रेडियो है। अब मैं आपको व्हाट्सएप करूं, बहुत वायरल भी हो जाएगा और आप देख भी लेंगे मुझे। ये बच्चे हमारा संभालो, और डीनो ही संभाल सकते थे इसको, आई गेस कोई और आरजे होता तो वो ये नहीं संभाल सकता था। डीनो आए हमारे साथ बैठे। ओह माय गॉड यार, ये तो दिस वाज वेरी फनी। आदि भाई ये लेकिन आपको बताऊं, ये बड़ी अच्छी कॉल थी। मेरे पास एक दफा एक कॉल आई थी, मैं झूठ नहीं कह रहा, मुझे एक एक्चुअल कॉल आई थी एक बंदे की, जिसने कोई कम से कम 2-3 मिनट सिर्फ सांसें ली हैं। सांसें मतलब वो सिर्फ फोन करके वेंटिलेटर से फोन किया था, पता नहीं क्या। मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा बॉस आप ठीक हैं सब? क्या हो क्या रहा है, सांसें ली हैं। एक लड़की ने मुझे कॉल की एक दफा रेडियो पे, और वो कबर्ड से बात कर रही थी। कबर्ड से? मैंने उसको कहा आप कबर्ड में क्यों हैं? मैंने कहा अच्छा कबर्ड में थी खुद? हाँ कबर्ड में बैठी हुई, फोन पे बात कर रही, रेडियो सुन रही। मैंने बेटा आप कबर्ड में क्यों है? क्यों अम्मा अब्बा को पसंद नहीं है कि मैं रेडियो सुनती हूँ? मैंने बोला बेटा तो आप कंबल ओढ़ लें, कुछ कहीं और बाथरूम चले जाएं। कबर्ड में कौन बैठ के बात करता है? तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल्स आती हैं रेडियो पे कभी। लेकिन पता बड़ी हिम्मत की बात, प्रपोज किया कभी लाइव? प्रपोज नहीं किया, लेकिन एक लड़की थी जिसने मेरा नंबर और एड्रेस वगैरह निकाल लिया था, और वो काफी पीछे पड़ गई थी मेरे। काफी अगला सवाल मेरा ये था कि क्रेजी फैंस मिलते हैं? हाँ, एक तो कोई ऐसा इंटरेक्शन? हाँ क्रेजी, एक वो वही थी जो काफी क्रेजी थी, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि क्यों। वो काफी क्रेजी फैन थी, बट वैसे जनरली मेरे फैंस बड़े नाइस हैं, वो इतने ज्यादा हाइपर नहीं होते। और कभी कभी कोई ऐसा गेस्ट आया शो पे जिसने मतलब आपको डाउन कर दिया? आपको पता है वाइब का बड़ा सीन होता है। हाँ, कोई, कोई अगर गेस्ट अच्छा ना हो तो आपका दिल नहीं कर रहा होता है। गेस्ट के साथ मैं बड़ा इजी हो जाता हूँ, लेकिन मुझे वो गेस्ट बड़े अजीब लगते हैं जो रेडियो प्रोग्राम में आके बात नहीं करना चाहते। अच्छा, क्योंकि बातों का ही गेम है ना। हाँ, absolutely. तो कभी कभार कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं कि आप उनसे सवाल पूछें और आपको लगता है कि वो अच्छा जवाब देंगे, और आपका टाइम, क्योंकि रेडियो पे एक मिनट भी एक साल लगता है। Absolutely. तो कभी कभार ऐसे कुछ गेस्ट आते हैं जिनका, जैसे अगर मैंने उनसे पूछा कि तो सर आपकी फिल्म आपने बनाई है, आपने फिल्म में काम किया तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा बात खत्म। और मैं फिर यूं होता हूँ कि इंतजार कर रहा हूँ कि आगे कुछ बोलेंगे, अंदर से लोग पागल हो रहे होते हैं क्योंकि जवाब नहीं आ रहा, तो फिर मैं वो बड़ा मसला मैनेज करना पड़ता। अच्छा डीनो भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आप इतना एनर्जी वाला शो कर रहे हो और आप लगे हुए अपनी जान मार रहे हैं और कॉलर आई और वो बिल्कुल डिप्रेस सी कॉलर? हाँ हाँ कभी कभार। क्या आपको पता है डाउन हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी अभी कैसे मोड़ पे आ गई है? तो क्या करते हैं आप? नहीं कुछ सुनते हैं इग्नोर? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं मतलब मेरा जो तरीका है लोगों से बात करने का, दोस्तों की तरह है, तो मैं थोड़ा इजी हो जाता हूँ उनके साथ कि यार चलो ऐसा नहीं होता सारा कुछ, म्यूजिक थोड़ी कम कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनका दिल बहल जाए किसी तरह से। और वो भी आता होगा ना, ये मेरे भाई से बात करें, अब मेरी बहन से बात करें। सबसे बात करें आप? सबसे की है मैंने बात, सबसे की है बात, खानदान से बात, बस मोहल्ले वाले रह गए। अच्छा टीनो, आपने हमें पहले गाना तो आपने एक जबरदस्त कवर हमें सुना दिया फ्यूजन का, ठीक है ना? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते हैं जब हमें गाना सुनाएंगे ना, वो आपका अपना वाला होना चाहिए। डन। तो कौन सा गाना सुनाएंगे आप? मेरा एक गाना है परी, जो बड़ा फेमस हुआ था, जो लोगों को अभी भी बहुत पसंद, बहुत जबरदस्त था जी, बहुत जबरदस्त था। लोग बड़ा मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उस गाने पे, तो मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा आपको। थोड़ा सा नहीं, आप हमें पूरा सुनाएंगे पूरा। आपको गाने का लिंक देने से पहले मैं पूछूं जी, फरिया कहाँ पहुंचा इनका? आई एम श्योर कि अब तक कंप्लीट हो गया होगा। कलर्ड वर्जन आ चुका है। कलर्ड वर्जन आ चुका है? कलर्ड वर्जन, आप तैयार हैं अपने आप को कलर में देखने के लिए? कलर लाइए जी, दिखाइए हमें डीनो का कैरी कैचो। थैंक यू फरिया, मैं मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं ये इनको दिखा भी दूं और इसको जरा जबरदस्त सा क्लोज क्लोज भी बना दूं ताकि आप देख सकें। सर जी कैसे हुआ है? देखो यार, वाह देखो तुसी, दिस इज कूल यार। दिखाएं ये, हाँ साथ रख के डीनो को क्लोज बना दे, कितना कमाल बनाया है आपको अंदाजा हो। और मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक डीनो, इवन ड्रेस्ड अप लाइक डीनो, इवन स्टैंड्स लाइक मी आल्सो, इवन स्टैंड्स लाइक यू, फिर ग्लासेस, फिर हेडफोन्स, और ये आपने अभी बनाया है? थैंक यू। हां Absolutely, सर। और देखें नीचे आप फरिया मेडिट का जो हैशटैग है वो भी मौजूद है, और आपको याद रहेगा कि आप मजेदार शो पे आए थे, इसलिए आपका सुवेनियर भी नीचे लगा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा एक बात आपको बता दें, ये अंदर वाली इमेज आपके साथ जाएगी, आईपैड नहीं जाएगा। मैं देख रहा था आप सख्ती से पकड़ देते, मैं भी खुश हो रहा था बहुत। ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं, मैं चाहता हूं आप उसका जबरदस्त सा क्लोज बना लें। तो ये हमने, और वो जो हम टैलेंट की बात कर रहे थे वो ये टैलेंट है जिसको हम शो करते हैं और शो के समय करना चाहिए। हमने ये हमेशा से कहते हैं कि हम चाहते हैं
कि हम टैलेंट को प्रमोट करें, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिस तरह हमें हमारे जमाने में प्रोवाइड किया गया, तो हमारी जिम्मेदारी है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक जबरदस्त सा कैरिकेचर हमारे सामने फरिया ने बनाया, तो फरिया हैट्स ऑफ, ब्रिलियंट जॉब। थैंक यू सो मच। और फरिया, क्योंकि आपने डीनो के लिए ये बनाया है, तो अब डीनो जो अपनी परफॉर्मेंस, मैं लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा वाले हैं। थैंक यू जी। लाइव परफॉर्मेंस जो करके दिखाएंगे, लाइव परफॉर्मेंस जो होगी, डीनो क्या आप तैयार हैं? फैजान आप तैयार हैं? एब्सोल्युटली तैयार हैं। बैंड आप तैयार हैं? चलो भाई, म्यूजिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारिया हसन और मैं आ रही हूं द मजेदार शो में। मजेदार 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 मजेदार।